त्रि शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है प्रदोष व्रत। देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से इन उपायों को जरूर से कीजिएगा, आपको बहुत अधिक इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त बता दूं, बिना व्रत के भी आप इस समय अगर कोई विशेष उपाय या महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है प्रदोष काल में महादेव माता रानी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल का समय होगा शाम को 7:16 से 9:18 के आसपास। तो इस शुभ तिथि में आप सभी कोई भी विशेष पूजा अर्चना करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले उपाय तो दीपक से संबंधित ही है, क्योंकि दीपक जो है एक ऐसा माध्यम है जो कि भगवान से हम सभी को जोड़ता है और भगवान जी इसे आमंत्रित के रूप में स्वीकार करते हैं और इससे हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। गुरु जी कहते हैं शाम के समय आप सभी को दीपक बना लेने हैं, आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं। 3 दीपक पूजा की थाली में रखने हैं। ध्यान रखिएगा, 3 में से 2 में तो आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, 1 बत्ती में लंबी जो है आपको बाती लगा लेनी है। ठीक है जी, अब आप सभी को यह बत्तियां कहाँ लगानी है ध्यान से सुनिएगा। आप प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष उपवास या कोई नियम आपसे नहीं होता है, तो सबसे पहले जो गोल बत्ती है वह आपको घर के दरवाजे पर लगानी है, क्योंकि घर के दरवाजे से ही प्रभु हमारे घर तक चल के आते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देते हैं। तो सबसे पहले जो गोल बत्ती है घर के दरवाजे पर जहां पर आपका दाहिना हाथ हो उस समय आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है, उसके बाद जो 1 गोलबत्ती का घी का दीपक है वह महादेव के मंदिर में प्रज्वलित होगा। इस बात का ध्यान रखें, महादेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही आज शिव ज्योति जरूर से जला दीजिएगा कि प्रभु मैं आपका यह दिव्य उपाय करने जा रही हूं परंतु मैं मंदिर नहीं जा सकती हूं, आपके नाम का जो दिव्य दीपक है वह घर के मंदिर में प्रदोष तिथि का भाव करते हुए शिव शक्ति का स्मरण करते हुए लगा दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा दीपक लंबी बत्ती का है वह बेल पत्र पेड़ के नीचे आज प्रदोष काल में जो लगा लेता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो देर रात्रि तक आज प्रदोष काल में शिव मंदिर नहीं जाने की स्थिति में बेलपत्र का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह 3 जो है दीपक वाला उपाय, 1 लंबी बत्ती, 2 गोल बत्ती वाला मैंने बताया आपको, आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, क्योंकि आज बुधवार की तिथि है और यह उपाय अपने आप में चमत्कार की तरह कार्य करता है। गुरु जी कहते हैं मन कामेश्वर महादेव का स्मरण कर किसका स्मरण करना है, मन कामेश्वर महादेव का ध्यान करना है। आपको अपने पूजा की थाली में या अपने हाथ में विशेष तौर पर या एक कटोरी में 2 लौंग रख लेने हैं, थोड़ा सा काली तिल और 1 काली मिर्च रखनी है। मन कामेश्वर महादेव का नाम लेकर आज प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर काली मिर्च, लौंग और जो मैंने काली तिल आपको बताई अपने हाथ की हथेली में रखना है या कटोरी में रखने के बाद पूरे घर में आपको घूम जाना है। घूम जाने के बाद आप सभी 1 लोटा जल ले जाएं प्रदोष काल में और गोलबत्ती का घी का दीपक मंदिर में, घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से जल चढ़ाएं और जो काली मिर्च, लौंग और काली तिल लेकर गए हैं घर में घुमाए हुए उसे शिवलिंग पर मन कामेश्वर महादेव अर्थात मेरे मन की कामना सिद्ध करें महादेव ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। ऐसी मान्यता है मन कामेश्वर महादेव आज लौंग, काली मिर्च और काली तिल चढ़ाने से संपूर्ण रूप से फलित कर देते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। तो देर रात्रि तक इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और दीपक लगाइएगा, जल जरूर से चढ़ाइएगा, ऐसी मान्यता है। इससे जल्दी शास्त्र सम्मत जानकारी यह मिलती है कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो प्रथम उपाय दीपक का कर सकते हैं, दूसरा यह भी कर सकते हैं मन कामेश्वर महादेव का, तीसरा गुरुजी ने कहा है आज प्रदोष काल में जैसे कि आज बुधवार है, आज का रंग हरा माना जाता है, आप सभी को अपने जल के लोटे में 1 गुड़ का टुकड़ा डालना है, जल का लोटा भरना है, गुड़ का टुकड़ा डालना है और उसमें 1 हरा मूंग डालना है और 1 बेलपत्र डालनी है और 1 शमी का पत्ता डालना है। हमेशा ही जो नियमित रूप से गुरुजी की कथा सुनते हैं उन्हें पता होगा शमी का पत्ता ना होने की अवस्था में चावल का दाना भी प्रयोग में लिया जा सकता है। तो जल के लोटे में शमी का पत्ता, बेलपत्र, 1 चावल का दाना, इच्छा आपकी है, गुड़ और हरा मूंग डालकर
आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर या तो महादेव के मंदिर में या घर के शिवलिंग में आप सभी आवश्यक रूप से अगर जल का लोटा चढ़ा देते हैं, हरा मूंग, बेलपत्र, शमी का पत्ता और गुड़ का टुकड़ा डालकर, तो प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। तो देर रात्रि तक इस तीसरे उपाय को भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में बैठे मैं आसानी से कर सकती हूँ वही उपाय आप कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो यह हो गए तीन सरल उपाय, बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय। गुरु जी कहते हैं आपसे कुछ भी कार्य नहीं बनता, आपसे व्रत नहीं होता, आपसे भूखा नहीं रह जाता, आप मंदिर नहीं जा सकते, जीवन में हर स्वरूप में आप हार गए हैं। तो आप सभी को आज विशेष तौर पर घर के दरवाजे पर प्रभु का चिंतन नमन करते हुए कि हे महादेव मेरे जीवन में खुशियों के रंग भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज एक गोलबत्ती का घी का दीपक कम से कम प्रदोष व्रत की तिथि का आवाहन करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए रोग कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक जो है गोलबत्ती का घी का दीपक आज प्रदोष काल का जो समय बताया उस समय जरूर से कर लीजिएगा। ऐसी मान्यता है इससे रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। तो इतने सारे मैंने उपाय बता दिए, साथ के साथ हरे मूंग का एक उपाय और जान लेते हैं, क्योंकि आज बुधवार ही प्रदोष इसे कहा जाएगा। अपने हाथ की हथेली में आप सभी को हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा लेकर और एक बेलपत्र रखकर, और बेलपत्र आप से ऊपर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को थोड़ा अपने हाथ में हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और एक बेलपत्र रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके नंदी महाराज को आज देर रात्रि तक घर के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप सभी को उन्हें खिला देना है। ऐसी मान्यता है, गुरुदेव कहते हैं इससे जीवन में आने वाली विपदा दूर हो जाती है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो लंबे समय से कोई प्रतियोगी परीक्षा की बात अटकी है, संकट कष्ट पीड़ा बढ़ रहे हैं, दुख दरिद्रता बढ़ रही है और हर तरफ से आप हार गए हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, यह भी बहुत लाभ देने वाला है। कई उपाय हैं जो गुरु जी के आज के दिन किए जा सकते हैं जो कि अनंत लाभ देते हैं। प्रदोष व्रत कोई सामान्य नहीं है, यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए जाना जाता है। तो अपने घर पर रहकर इन सरल से उपायों को चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हैं। देखिए जी, कहीं ना कहीं कुछ न करने से बेहतर है कुछ कर लिया जाए तो लाभ इसका मिलता ही है। तो इतने सारे सरल उपाय बताए, साथ के साथ आज प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर विधान से पूजा करना या अपने घर पर प्रदोष काल में पूजा करना, प्रदोष व्रत की कथा सुनना या प्रदोष व्रत की शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग पूजा करना घर के गमले में या बेलपत्र पेड़ के नीचे या आंवला वृक्ष के नीचे या पीपल देवता के नीचे बहुत अधिक लाभ माना जाता है, क्योंकि यह सभी वृक्ष पूजनीय है। आज के दिन आपको जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई नाग देवता बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ लिंग नुमा एक आप शिवलिंग बना लीजिए, उसका विधि विधान से पूजन करें, उसमें हरा मूंग चढ़ाएं, चावल के दाने चढ़ाएं, विशेष तौर पर बेलपत्र भस्म समर्पित कर विधान से पूजा करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा के लिए सदा सर्वदा मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से आज देर रात्रि तक इन उपायों में से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई एक उपाय चुनिएगा, पूरा परिवार इससे सुख स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, कोई भी प्रश्न हो तो पूछिएगा।